पंजाब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित वालों पंजाब च फैलदे नशे नूं लै के चिंता जाहिर की गई सी ते पंजाब सरकार पंजाब पुलिस ते थाणियां ते सवाल खड़े किए गए सन ते उस नूं लै के हुण पंजाब सरकार दे वल्लों भी जवाब दिता गया है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने जवाब दिंदिया कहा है कि जो पंजाब दे विच नशा आ रहा है वह जां तां सरहद पारों आ रहा है जां फिर पंजाब दे गुआंढी सूबियां तों आ रहा है ते गुआंढी सूबियां दे विच बीजेपी दी सरकार है ते केंद्र दे वल्लों भी सरहद ते BSF तैनात की गई है तां फिर इह नशे रोकथाम क्यों नहीं हो रही एक केंद्र तो सवाल होना चाहिए। माननीय गवर्नर साहब अपने अहदे की मर्यादा जी नहीं रख रहे हैं। इस तरह कदे भी नहीं होया है कि किसी स्टेट के कोई गवर्नर पोलीटिकल स्पीचा ने जिहड़ियां वह देंदे फिरना कोई उन्होंने इशू ध्यान आता तो माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के ध्यान लिया पर सीधे एक तरीके पैरेलल गवर्नमेंट चलानी और वह भी चुनी हुई ये होया पाया कि इलैक्टेड के उपर सिलैक्टेड लोग ने जोड़े वो राज करनगे तो नशा कितों आ रहा है पंजाब या तो इंटरनेशनल बॉर्डर तो आ रहा है उसकी जिम्मेवारी की सेंट्रल गवर्नमेंट की या नेबरिंग स्टेट हरियाणा के रूट होकर आता है वो उत्तर सरकार की है BJP की या पिछले दिनों दे देखा होगा कि टना दे टन नशे ने जोड़े वह गुजरात पोर्ट के उतरते हैं तो उत्तों सारे मुल्क डिस्ट्रीब्यूट होंगे उत्तर सरकार की है वह जिम्मेवारी की है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ तुसी आपदे सियासी लाहे लई तुसी पंजाब दा भी नुकसान कर रहे हो तुसी डेमोक्रेसी नूं भी ढाल आ रहे हो तुसी एक 70-75 सालां दा जिहड़ा एक सिस्टम बना के गईआं ने उस समय उन्हां लोकां ने जिन्हां ने देश आजाद कराया बाबा साहब अंबेदकर होणे जिन्हां ने संविधान बनाया उन्हां ने देश नूं मजबूत करन दे मकसद नाल संविधान बनाया सीगा पर अज इहो जिहे कॉन्स्टिट्यूशनल अहुदिआं दे उपर बैठ के लोग स्टेट दीआं चुणीआं होईआं सरकारां नूं कमजोर कर रहे हैं। मैं समझदा कि इहदे नाल डेमोक्रेसी कमजोर होगी अल्टीमेटली।